तो अब छत्तीसगढ़ के किसानों के कर्जा माफी वादा निभाओ विष्णु सरकार, किसानों का 2 लाख रुपए तक कर्जा माफ होगा। जी हाँ, अब छत्तीसगढ़ के सभी किसानों के द्वारा जो है विष्णु देसाई सरकार बीजेपी गवर्नमेंट से मांग किया जा रहा है कि आपने इलेक्शंस के समय, चुनाव के समय आपने वादे किए थे, घोषणा पत्र में आपने शामिल किए थे 2023 सभी विधानसभा चुनाव जब हुआ, तो छत्तीसगढ़ के सभी किसानों ने अपना प्रचंड बहुमत, अपना पूर्ण बहुमत, अपना पूर्ण समर्थन, अपना पूर्ण भरोसा जो है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जताया। और छत्तीसगढ़ में जो है इसी वजह से बीजेपी की 54 सीटों पर जो है प्रचंड बहुमत की सरकार बनी। 54 सीटों पर जो है छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी ने जो है जीत हासिल की। अब छत्तीसगढ़ के सभी किसान यही चाहते हैं कि उनका जो है पूर्ण रूप से जो है कर्जा माफ हो पाए। अब आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि बहुत ही जल्द जो है आप सभी के लिए जो है बीजेपी गवर्नमेंट्स के द्वारा काफी महत्वपूर्ण फैसला लेते हुए अभी फिर से आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि कैबिनेट की बैठक आपके होने वाली है, और कैबिनेट की बैठक में ये चीज़ें जो है महत्वपूर्ण होने वाली है और आप लोगों के लिए अपडेट निकालने वाले हैं, और जिसमें काफ़ी महत्वपूर्ण जो है इनिशिएटिव जो है बीजेपी गवर्नमेंट्स के द्वारा आप सभी के लिए फैसले लिए जाएंगे विष्णु देसाई सरकार के द्वारा। और छत्तीसगढ़ के सभी किसानों का, प्रत्येक किसानों का जो है 2 लाख रुपए तक का कर्जा माफ जो है देखने को मिल पाएगा। तो विष्णु देसाई सरकार के द्वारा, बीजेपी गवर्नमेंट्स के द्वारा आप सभी के लिए ही जितने भी अपडेट निकाले जाते हैं, जितने भी घोषणा पत्र होते हैं, जितने भी मैनिफेस्टो होते हैं, वो हर एक अपडेट, वो हर एक चीज़ें आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। वो हर एक चीज़ें आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण जो है देखने को मिल पाता है। तो जितने भी घोषणा पत्र थे, जितने भी वादे थे जो बीजेपी गवर्नमेंट्स के द्वारा आप सभी किसानों से, आप सभी जनता के लिए जो मोदी की गारंटी थी बीजेपी गवर्नमेंट्स के द्वारा, डेफिनेटली जो है उन सभी चीज़ों को पूरा किए जाएंगे। और घोषणा पत्र के जो है सभी वादे जो है एक एक करके पूरे भी किए जा रहे हैं। जैसे कि बीजेपी ने वादे किए थे कि 21 क्विंटल जो है हम धान खरीदेंगे जब छत्तीसगढ़ में बीजेपी की गवर्नमेंट आएगी, जब छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी तब। अब उनके द्वारा ये चीज़ें किए जा रहे हैं, 21 क्विंटल जो है छत्तीसगढ़ के सभी किसानों का धान खरीदे जा रहे हैं। प्लस अगर हम बात करें तो 3100 रुपये की राशि भी आपके जो है बैंक अकाउंट में पूरे के पूरे जो है पैसे ट्रांसफर भी हो रहे हैं। शुरुआत में अगर हम बात करें तो प्रति क्विंटल आपको 2183 रुपये जो है मिल रहा है। जी हाँ, प्रति क्विंटल अभी आपको 2183 रुपये मिल रहा है, और जो पैसे आपके बच जाते हैं 907 रुपये जो है प्रति क्विंटल की दर से, वो भी पैसे आपके जो है कुछ ही दिनों में जो है पूरे के पूरे जो है राशि ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा आप सभी के लिए जो जो वादे किए जाते हैं, आप सभी के लिए जितने भी घोषणा पत्र में शामिल थे, जितने भी मैनिफेस्टो में शामिल थे, उन सभी घोषणा पत्रों को, उन सभी वादों को, उन सभी चीज़ों को जो है डेफिनेटली जो है अवश्य रूप से आप सभी के लिए जो है पूरे किए जाएंगे। तो छत्तीसगढ़ के सभी किसानों का जो है कर्जा माफी जो वादा है, जो विष्णु देसाई सरकार के द्वारा, बीजेपी गवर्नमेंट्स के द्वारा आप सभी से किए गए थे, डेफिनेटली है कि उन सभी वादों को, उन सभी घोषणा पत्रों को जो है बीजेपी गवर्नमेंट्स के द्वारा अवश्य रूप से जो है पूरे किए जाएंगे। तो एक के बाद एक आप सभी के लिए काफी महत्वपूर्ण चीजें, एक के बाद एक आप सभी के लिए काफी इम्पोर्टेंट अपडेट जो है निकल के आ रहा है। मैं आप लोगों से बस यही कहना चाहता हूँ कि छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आप सभी की सरकार है, आप सभी के लिए काम किया जा रहा है। बीजेपी गवर्नमेंट का सिर्फ एक ही लक्ष्य है कि छत्तीसगढ़ के सभी किसानों को आर्थिक रूप से समृद्ध बनाना, आर्थिक रूप से आर्थिक उनकी सहायता करना, आर्थिक सहायता करना और आर्थिक रूप से जो है समृद्ध बनाना, जिससे छत्तीसगढ़ के सभी किसानों की आय जो है दोगुनी हो सके, छत्तीसगढ़ के सभी किसानों के जो जो सपने हैं वो सभी चीज़ें पूरे हो पाए। इसके अलावा भी अगर हम बात करें तो 1 लाख पदों पर भी गवर्नमेंट जॉब्स आप सभी के लिए निकाले जा रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब्स में भर्ती भी निकाले जा रहे हैं, जिससे कि आप सभी को जो जॉब मिल सके, आप सभी को रोजगार मिल सके। जी हाँ, तो 1 लाख पदों पर भी आप सभी के लिए गवर्नमेंट जॉब्स होने वाला है। जितने भी स्टूडेंट हैं जो गवर्नमेंट जॉब्स की तलाश में हैं, जो गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी करना चाहते हैं, भर्ती परीक्षा एग्जाम्स की स्टडी करना चाहते हैं, प्रिपरेशन करना चाहते हैं, हार्ड वर्क करना चाहते हैं, आप सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। तो बीजेपी गवर्नमेंट्स के द्वारा जितने भी काम किए जाते हैं, जितने भी अपडेट, जितने भी घोषणा पत्र होते हैं, जितने भी चीज़ें जो आप सभी के लिए निकल के आते हैं, वो सभी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। वो हर एक चीज़ें
आप सभी के लिए जो है कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होता है जी। हम तो 1 लाख पदों पर आप सभी के लिए गवर्नमेंट जॉब जो है निकल कर आने वाला है। मैं आप सभी से यही कहना चाहता हूँ कि सबसे मेन इम्पोर्टेंट है 1 लाख पदों पर जो है, 1 लाख पदों पर जो भर्ती निकले इसकी तैयारी करने के लिए सबसे पहले आपको करंट अफेयर्स की तैयारी करना है। करंट अफेयर्स हम सही की घटना चक्र है। अगर आपको करंट अफेयर्स की नॉलेज है, जितना ज़्यादा आपको करंट अफेयर्स की नॉलेज होगा, जितना ज़्यादा आपको करंट अफेयर्स की जानकारी होगा, उतने ही ज़्यादा आपके लिए बेस्ट होगा, उतने ही ज़्यादा आपके लिए बेहतर होगा। बिना करंट अफेयर्स के नॉलेज के आप जो है शायद किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम्स को क्वालिफाई ही नहीं कर पाएंगे। सीजी करंट अफेयर्स के लिए सबसे पहले आपको विकास स्मारक का मासिक पत्रिका लेना है। इसके अलावा इंडियन वर्ल्ड करंट अफेयर्स के लिए आपको प्रतियोगिता दर्पण लेना है, जो आपका मंथली मैगजीन रिलीज होता है। तो इस तरह से आपके जो है करंट अफेयर्स एग्जाम्स की तैयारी बहुत अच्छे से हो पाएगा और आप जो है एक अच्छे खासे तैयारी जो है कर सकते हैं। और डेफिनेटली है कि आपका कॉम्पिटिशन एग्जाम भी क्वालिफाई हो पाएगा। जितना ज़्यादा आप कोशिश करोगे, जितना ज़्यादा आप मेहनत करोगे, जितना ज़्यादा आप हार्डवर्क करोगे, उतने ही ज़्यादा आपका सिलेक्शन और उतने ही ज़्यादा आपका आपको एक अच्छा खासा एक बेहतर बेस्ट रिजल्ट दे मिल पाएगा। तो हमेशा देखो कोशिश करना ना, बिल्कुल आपको नहीं छोड़ना है। हमेशा जो है कोशिश करते रहना है, प्रिपरेशंस करते रहना है। जितना ज़्यादा प्रिपरेशंस करोगे, जितना ज़्यादा आप स्टडी करोगे, उतने ही ज़्यादा आपका सिलेक्शन हो पाएगा, उतने ही ज़्यादा आपको देन कामयाबी जो है मिलेगा। तो छत्तीसगढ़ में विष्णु देसाई सरकार के द्वारा आप सभी किसानों से जो वादे थे 2 लाख रुपए तक का कर्जा माफी का, उन सभी वादों को जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा डेफिनेटली उन सभी वादों को जो है बीजेपी गवर्नमेंट्स के द्वारा अवश्य रूप से पूरे किए जाएंगे। तो एक के बाद एक आप सभी के लिए हर एक वादों को जो है पूरे किए जाएंगे। थोड़ा सा सब्र रखना है, थोड़ा सा पेशेंस रखना है। इसके बाद आप सभी के लिए हर एक वादे को जो है पूरा करने के लिए बीजेपी सरकार आप सभी से किए गए वादों को पूरा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है प्रतिबद्ध है। आप सभी को परेशान होने वाली कोई बात नहीं है, किसी भी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं होने वाली। आप सभी के हर एक ख्वाबों को पूरा किए जाएंगे। थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन सभी वादे पूरे जरूर होते हैं। तो छत्तीसगढ़ में सभी किसानों से किए हुए वादे बीजेपी सरकार जो है अवश्य रूप से जरूर निभाएगी। आई होप जितनी भी जानकारी, जितनी भी अपडेट मैंने आप सभी को बताया, सभी जानकारी सभी अपडेट आपको पसंद आया हो। अगर जानकारी अपडेट अगर आपको अच्छा लगा हो, पसंद आया, तो प्लीज वीडियो को लाइक करना। चैनल पर नए आए हो तो प्लीज जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल नोटिफिकेशन को ऑन करके रख लेना। एंड वीडियोस को जितना ज्यादा हो सके आपको शेयर करना है। जी हाँ, जितना ज्यादा आप वीडियोस को शेयर करेंगे, उतने ही ज्यादा बाकी लोगों तक जो है वीडियोस पहुंच पाएगा, उतने ही ज्यादा सभी लोगों तक जो है वीडियो जो है देखने को मिल पाएगा। और किसी भी प्रकार का डाउट हो तो कमेंट करके जरूर बताइए, आप सभी का रिप्लाई जरूर करूँ।